जब कभी भी मैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में सोचता हूं तो मुझे कौरवों का बनाया हुआ चक्रव्यूह और अभिमन्यु की लड़ाई याद आती है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और दूसरे डायरेक्शन में उसे रोक देता है। अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया था, उसे पता था कैसे जाना है, लेकिन बाहर निकलना उसे पता नहीं था। वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यहां पर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक डायरेक्शन में फ्लो करके चला जाता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से ये पूरी तरह से फ्लो नहीं कर पाता है। देखिए, ये एग्जैक्ट ट्रूथ तो है नहीं कि करंट पूरी तरह से रुक जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करंट बहुत हद तक रुक जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लो होता है दूसरे डायरेक्शन से, जबकि एक डायरेक्शन से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमें दो चीजें समझना होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है और रिवर्स बायसिंग क्या है। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जब जब एक पी साइड को एन साइड के साथ मिलाया जाता है, ज्यादा टेक्निकली कहें अगर एक एक सेमीकंडक्टर वेफर में एक तरफ पी टाइप इम्प्यूरिटी और दूसरे तरफ एन टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, से दिस इज पी टाइप इम्प्यूरिटी, तो इसे हम पी साइड कहते हैं, और एक तरफ एन टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया जाए तो इस तरफ को हम एन साइड कहेंगे, तो ये जो बनता है ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया था कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है यहां पर। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि एक तरफ बनता है, एक तरफ बहुत सारे होल्स बनते हैं पी साइड में, होल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जैसे कि हमने बात किया था, आप ये सोच सकते हैं कि ये जो होल्स है ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए फंडामेंटली, तो ये जो साइड है होल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये साइड एज होल ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। सिमिलरली एन साइड में बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो लेट्स से बहुत बहुत सारे ये सारे जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, लेकिन ओवरऑली अगर इस साइड को देखें तो ये ओवरऑली न्यूट्रल होता है। अब क्या होता है, जैसे ही एक तरफ पी इम्प्यूरिटी और दूसरे तरफ एन टाइप इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, तो डिफ्यूजन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स या एन साइड से पी साइड में चला जाता है, हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिफ्यूज कर जाता है। तो जैसे ही ये डिफ्यूज करता है तो होता ये है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से जब डिफ्यूज कर जाते हैं तो होता यह है कि ये होल्स को भर देता है, और होल्स को भर देने के कारण यहां से जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स गायब हो जाते हैं। तो चार्ज कैरियर तो यहां से गायब हो गया, सो चार्ज कैरियर ये गायब हो गया, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड का फंडामेंटल्स जिसमें हमने बात किया था कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और उसी तरह से डिप्लीशन रीजन क्या होता है, यही सारी चीजें। लेकिन यहां साथ ही साथ होता यह है, पहले तो भाई ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन न्यूट्रल जगह से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, भले ही ये होल्स को भर रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ऑब्वियसली ये जो रीजन होगा ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन बन जाएगा, और चूंकि वही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गया है तो ये रीजन जो है ये निगेटिव साइड बन जाएगा, इसमें कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और जैसे कि हमने बात किया, यहां जहां पर चार्ज कैरियर्स नहीं है उस जगह को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसे बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो बड़ा मजेदार चीजें होने वाला है। हम इसे बैटरी के साथ दो तरीके से जोड़ सकते हैं, यहां से हमने इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया, हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं बैटरी के साथ। एक तरीका तो यह होगा कि इस साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए और इस साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दे। तो दो तरीके हो गए,
चलिए पहला तरीके पे बात करते हैं। अगर अब हम इस पी एन जंक्शन डायोड को ऐसे जोड़े कि पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, अगर इस पी को पॉजिटिव साइड के साथ बैटरी के और एन को निगेटिव साइड के साथ, एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव, सो एन साइड को अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दे तो इस तरह के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। सो ये जो है ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायसिंग है। सो फॉरवर्ड बायस में अब होगा क्या, देखें बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा और होल्स को रेपेल करेगा ये। सिमिलरली ये नेगेटिव साइड जो है ये तो नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन्स को ये रेपेल करेगा, यही टेंडेंसी होगा इसका। यहां पर देखिए क्या होगा, चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये सिलिकन वेफर है। सो सिलिकन वेफर में हमें पता है ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये बैरियर पोटेंशियल नियरली 0.7 वोल्ट का होगा। अब हमने यहां पर एक बैटरी लगा दिया, चलिए ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, मतलब हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम मानते हैं कि ये जो वोल्टेज है वोल्टेज इज लेस देन 0.7 वोल्ट, बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्ट है, 0.2 वोल्ट है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट का है, हमने एग्जांपल में सिलिकन मान लिया, सिलिकन वेफर है ये। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट का है, इसका टेंडेंसी क्या है, देखिए इसका टेंडेंसी है ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बना रहा है। अब बैटरी जो है ये इसका कैपेसिटी उससे कम है, इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में बनाने का, तो ये क्या करेगा, ये बैटरी का जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये घटेगा। साथ ही साथ और क्या होगा, देखिए यहां से ये जो होल्स है इन होल्स को ये पॉजिटिव साइड जो है ये पुश कर रहा है और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली होगा क्या, यहां पर ये बड़ा ही क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पुश्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा ये, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पुश्ड होंगे, सो यहां से नेगेटिव साइड जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और ये पॉजिटिव साइड जो है ये इन होल्स को पुश करेगा। क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन जो है ये डिप्लेशन रीजन पतला हो जाएगा। सो अब देखें ये डिप्लेशन रीजन ये पतला हो गया, सो इसका विड्थ जो है डिप्लेशन रीजन का घटेगा, कहां पर, फॉरवर्ड बायसिंग में। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास की इतना एनर्जी होगा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस साइड में आ जाए। बेसिकली होता क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन में, यहां पर देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये जब यहां से कुछ एनर्जी मिला इसे, ये यहां से इस साइड में आया, अब ये पॉजिटिव जो साइड है इसे 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 अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव साइड इसे रिपल करेगा, लेकिन इसके पास काफी काइनेटिक एनर्जी है तो धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा 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 और फिर ये रिपल्ड हो जाएगा। लेकिन इसके पास अगर इनफ काइनेटिक एनर्जी हो तो ये इस तरह से इस साइड में आ सकता है। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के पास बराबर एनर्जी नहीं होता है, कुछ के पास बहुत कम एनर्जी होता है, कुछ के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, जो उसी के कारण बहुत ही कम अमाउंट में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड से एन साइड से पी साइड में आ जाएगा। तो पी साइड में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएगा, क्योंकि पी साइड में मेजॉरिटी में होल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये माइनॉरिटी में रहता है। अब जैसे ही ये इस साइड में पहुंच जाता है ये नेगेटिव साइड इसे रिपेल करेगा और ये जो पॉजिटिव साइड है ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इधर से भी अगर देखें तो उसी जगह को यहां भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। सो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और जो कन्वेंशनल करंट होगा ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में होगा।
सो ये तो हम बात कर रहे हैं जब ये जो है जो वोल्टेज है ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हो, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके इस साइड में एन से पी साइड में चला जाएगा, और जैसे कि हमने बात किया पोटेंशियल बैरियर जो है ये थोड़ा घटेगा और डिप्लीशन रीजन जो है ये पतला होगा। सो इसे अगर अब हम एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, चलिए ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना वोल्टेज दिया गया और उसके कारण कितना करंट क्रिएट हुआ। सो एक्स एक्सिस में वोल्टेज और वाई एक्सिस में करंट, तो जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज दिया गया तो यहां पर बहुत बहुत ही कम एक करंट क्रिएट हुआ। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है वोल्टेज इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, जितना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं जो करंट है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से ये जो पोटेंशियल बैरियर है जो जो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है वो थोड़ा कम होगा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो इसके पास थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इस साइड से इस साइड में आ जाए, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। तो अब हम वोल्टेज को बढ़ाते गए बैटरी का, और करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, जैसे ही ये जो है ये बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट के बराबर हुआ, अब क्या होगा देखिए, बैटरी इधर 0.7 वोल्ट का, पोटेंशियल बैरियर फंडामेंटली ये 0.7 वोल्ट का था, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ये। सो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा मतलब कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये डिप्लीशन रीजन गायब हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहां पर। सो यहां से बैरियर पोटेंशियल गायब हो गया, यहां से चलिए इसे इसे हटा देते हैं। अब बैरियर पोटेंशियल जैसे ही गायब हो गया वैसे ही देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफ्यूजन के कारण आप कह सकते हैं ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े फ्रीली यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेगा और करंट क्रिएट करेगा, एक बड़ा सा करंट क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये गायब हो गया। सो ये 0.7 वोल्ट इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर जर्मेनियम होता तो ये 0.3 वोल्ट में ऐसा होता। सो यहां के बाद ये जो करंट है ये करंट काफी बढ़ने लगेगा, ये जो जगह ये जो वोल्टेज है इसे हम नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज के बाद करंट काफी तेजी से बढ़ने लगता है, उससे पहले बहुत ही धीरे धीरे करंट बढ़ता है, इसे हम वी सब के से भी डिनोट कर सकते हैं नी वोल्टेज। तो ये तो है फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अब एक बार देख लेते हैं रिवर्स बायस में क्या होगा। तो फंडामेंटली हमने बैटरी चलिए नहीं लगाया है अभी तक, सो हमने अभी तक बैटरी नहीं लगाया है, इस केस में क्या होता है कि यहां पर बनता है एक डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है, और ये साइड जो है ये पॉजिटिव साइड बनता है, ये इस साइड में नेगेटिव चार्ज रहता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ रहे हैं बैटरी को लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, अब हम दैट मीन पी साइड के साथ निगेटिव टर्मिनल, पी के साथ निगेटिव टर्मिनल और एन साइड के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे। सो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, अब ये रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस। यहां पर क्या होगा देखिए, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका टेंडेंसी होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने का अपने तरफ, लेकिन यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है इस साइड में, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। यहां पर जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल पॉइंट नियरली 0.7 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये टेंडेंसी होगा पॉजिटिव साइड का इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का और इधर टेंडेंसी होगा इन होल्स को अट्रैक्ट करने का, लेकिन यहां पर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस हैं उसके कारण होल जो है अट्रैक्टेड नहीं होगा,
रैंडम मोशन के कारण यहां से कुछ माइनॉरिटी चार्ज करियर्स जो है यहां से रिपेल्ड होके कुछ अगर इनफ एनर्जी रहे तो इस साइड में आ सकता है। जैसे ही इस बैरियर को तोड़ के अंदर चला जाएगा ये, वही इलेक्ट्रॉन्स इसे अट्रैक्ट कर लेगा ये पॉजिटिव साइड, और वो इधर मूव करते हुए करंट कंस्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन ये बहुत कम होगा, बहुत ही कम अमाउंट में ये होगा। एक चीज और यहां पर कि जैसे ही आप ऐसे बैटरी को रिवर्स बायस में लगा देते हैं, तो होता यहां पर यह है कि ये पॉजिटिव साइड चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, सो इसके कारण इसका इस तरफ ओवरऑल मूवमेंट होता है। सिमिलरली इन होल्स का भी इस तरफ ओवरऑल मूवमेंट होता है। निगेटिव साइड जो है इन्हें अट्रैक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉन सेंड करता है इधर से, जो कि ओवरऑल ही यहां पर जाके होल्स को भर देता है। सो होल्स जो है यहां से क्रिएट हो जाता है और यहां पर होल्स गायब हो जाता है। हेंस हुआ क्या, यहां से जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ा हो जाता है, ये थिक हो जाता है। सो ये तो पहला चीज है। और साथ ही साथ आप ये पाएंगे कि जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, यहां अगर आप ध्यान दें, ये जो पॉजिटिव साइड है ये इस डायरेक्शन में, इस नेगेटिव साइड के साथ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब ये बैटरी जो है इसका भी टेंडेंसी है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, तो ओवरऑली आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बढ़ जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और साथ ही साथ बैरियर पोटेंशियल जो है, ऑब्वियसली बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल में, या हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में है, इसका भी टेंडेंसी वही है। सो ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, और साथ ही साथ डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये भी बढ़ जाता है। तो हमने बात किया कि अगर छोटा मोटा वोल्टेज हो तो करंट फ्लो करता है, करंट तो फ्लो करता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो करता है, बहुत ही कम अमाउंट में, इतना कम कि उसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो इसीलिए माना जाता है कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल है। एक समय ऐसा आता है वोल्टेज को बढ़ाते हुए इस बैटरी का, अगर इनफ वोल्टेज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये वोल्टेज अगर वी है इसका, इट इज नियरली 50 to 70 वोल्ट, ये डिपेंड करता है अलग 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 पीएन जंक्शन के लिए। सो वो डिपेंड करेगा उसमें किस तरह का डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, और भी बहुत सारे चीजों पर, तो उस पर अभी फिलहाल बात नहीं करते हैं। इसका अगर वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो अब क्या होता है, देखिए वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। भले ही यहां पर पोटेंशियल बैरियर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी काफी होगा। तो अगर जैसे ही ये इसे इसे इस बैरियर को तोड़ के अंदर चला जाएगा, जैसे ही ये ऐसा होगा, वैसे ही जो ह्यूज ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन रहा है, वो ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके पास काफी काइनेटिक एनर्जी होगा। सो ये वो वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ये ह्यूज काइनेटिक एनर्जी होगा। इस ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, देखिए यहां पर बहुत बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने नेबरिंग, चलिए मैं कलर वही वाला यूज करता हूं, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कुछ इस तरह से। जब इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा और ये इस रीजन से क्रॉस करेगा, तो ये वही एनर्जी इम्पार्ट कर देगा इन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और कुछ एनर्जी इम्पार्ट करने से ये सारे वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है वही एनर्जी अब्सॉर्ब करके। तो होगा क्या, इसके पास अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहा, ये शूट करेगा यहां पर आके, यहां पर हिट करेगा, और ये तो निकल ही जाएगा, साथ ही साथ यहां से इलेक्ट्रॉन्स को
इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चल के किसी एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, खुद भी फ्री रहेगा। ऐसे देखे एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, दो फिर चार इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, चार फिर आठ करेगा। सो ऐसे स्थिति में क्या होगा, देखिए बहुत 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 सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे। इसे एवलॉन्च इफेक्ट कहा जाता है। एवलॉन्च इफेक्ट में क्या होता है, एवलॉन्च जब क्रिएट होता है तब क्या होता है, बर्फ जब टूटता है एक बर्फीला पहाड़ से, सो ऊपर से एक छोटा बर्फ का टुकड़ा टूटता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता है और अपने साथ और भी बर्फ के लेयर को तोड़ते हुए और वो बड़ा बन जाता है, और फिर वो बड़ा सा एवलॉन्च जो है वो फिर गिरते गिरते और भी बर्फ को इकट्ठा करते हुए और भी लेयर्स को तोड़ते हुए ये नीचे गिरता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पर भी, इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन नॉक कर रहा दूसरे को, फिर दो इलेक्ट्रॉन बन जा रहा, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर वो दोनों चार फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। और यहां पर चूंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो रहा है उसके पास भी काफी काइनेटिक एनर्जी है। सो वो उस एनर्जी को गेन करते हुए फिर से वो किसी एक वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाता है। तो ये बहुत बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये पॉजिटिव साइड जो है इसे अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ यहां से ये आगे निकलते हुए ह्यूज करंट कंस्टिट्यूट करेगा। सो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट का, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये डायरेक्शन होगा कन्वेंशनल करंट का। तो यहां इस एक सर्टन वोल्टेज के बाद ये डिपेंड करेगा, अलग अलग पीएन जंक्शन डायोड के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। सो एक सर्टन पॉइंट में आके ये पाया जाएगा कि करंट जो है ह्यूज अमाउंट में बढ़ गया, उसके बाद जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसे कहा जाता है पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से खराब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये सिचुएशन को ब्रेकडाउन कहा जाता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी होता है कि चूंकि ये कलिजन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा, तो ड्यूरिंग दोज कलिजन्स बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होता है। सो ये जो हीट यहां पर क्रिएट होता है उसी के कारण ये जो है पीएन जंक्शन डायोड जो है ये जल जाता है बहुत ज्यादा जब ये मूवमेंट हो जाता है करंट का। सो पीएन जंक्शन डायोड हीट के कारण, पीएन जंक्शन डायोड हीट के कारण ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जल जाता है। तो हमने क्या पाया कि वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ाने से एवलॉन्च इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट को एवलॉन्च इफेक्ट कहते हैं, एवलॉन्च इफेक्ट। क्यों होता है ये एवलॉन्च इफेक्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आके एक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, उसके कारण दो इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर दो चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। सो इस तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते जाता है और ह्यूज अमाउंट में वही इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है इनसाइड में, और वो इस तरह से इस सर्किट में करंट को कंस्टिट्यूट करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। सो चूंकि इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेकडाउन सिचुएशन। सो इस वोल्टेज को, जैसे यहां पर इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं, उसी तरह से यहां इस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वी ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आप ये पाएंगे कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये जल जाए, ये खराब हो जाए। अब एक मजेदार बात है कि अगर डोपिंग लेवल को बढ़ाया जाता है तो फिर ये पीएन जंक्शन डायोड खराब नहीं होता है। और वो जो डोपिंग लेवल को बढ़ाना है और हाई डोपिंग लेवल से जो पीएन जंक्शन डायोड बनता है उसे कहा जाता है जीनर डायोड। ये जीनर डायोड एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।